हे गाइस, वेलकम बैक। सो बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में, साथ में जो भी टॉप 15 कौन से जुड़ी अपडेट होती है हम इसी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। मार्केट एकदम चीरअप कर रही है, 17,903 डॉलर पर अभी करंट में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है एंड 18 डॉलर को टच करके थोड़ा सा डाउन आ गया है क्योंकि सीपीआई का डेटा आ गया एंड काफी पॉजिटिव आया काफी टाइम बाद, एंड इसके बाद मार्केट में तुरंत एकदम पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है। इथेरियम 1338 डॉलर पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है। अगर आपने बीएनबी में पोजीशन बनाई होगी मॉर्निंग में, विच आई हैव रिकमेंडेड कि बीएनबी विल कम आउट ऑफ दिस फंड, तो बीएनबी भी काफी पॉजिटिव आ गया, 280 डॉलर पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है। पिछले एक घंटे में लगभग 5% की ग्रोथ इसने दिखाई है एंड सबसे बेस्ट रिकवरी मतलब बीएनबी में ही देखने को मिली है। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आपको जो पोजिशन ऑलरेडी रिकमेंड की गई थी दैट इज रिपल की पोजीशन, एंड अगर आप रिपल की पोजीशन देखोगे तो उसमें भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो गए जो परपेचुअल मार्केट में आपको ऑलरेडी रिकमेंड की गई थी। आप चाहो तो पार्शियल प्रॉफिट उसमें बुक कर सकते हो एंड फुली प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर थोड़ा सा सेटल डाउन होता है, उसके बाद आप दोबारा से उसमें पोजीशन बना सकते हो, नॉट ओनली इन द रिपल इन अनदर कॉइन ऑल्सो, जिसमें भी आप अलॉट करना चाहो आप अलॉट कर सकते हो, बट डेफिनेटली आप पॉजिटिव में हो गए दैट आई कैन अश्योर। सीपीआई का डेटा 7.1% पाया है एंड ये काफी टाइम बाद अगर दिसंबर 2021 के कंपेयर में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी लो रहा है एंड यही उम्मीद थी कि सीपीआई का डेटा कम आए, क्योंकि कम आएगा तो फिर इंटरेस्ट रेट हाइक भी स्लो डाउन होगा और अगर वो ऐसा होता है तो मार्केट में दोबारा से लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में दोबारा लिक्विडिटी एक्सपेक्ट करने का मतलब है वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अप्रिसिएशन इन द प्राइस। सीपीआई का डेटा देख के सब लोग खुश हैं, एवरीवन इज हैप्पी सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि अगर मार्केट में अप्रिसिएशन दिखेगा तो मेरी जान ज्यादा खाई जाएगी कि जो टॉप 20 कॉइन की लिस्ट है वो जल्दी कंप्लीट की जाए, नहीं तो मार्केट हाथ से निकल जाएगी। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। जैसे जितने भी कॉइन हम लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, जैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं मैं उसको तुरंत बता देता हूँ कि ये हम रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल एंड वेट फॉर दैट। नेक्स्ट इवेंट जो रहेगा इसको हम पहले ही कवर कर चुके कई वीडियोज में, बट क्योंकि कल ही होने वाला है तो आज मैं आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ। एफओएमसी की मीटिंग है कल और उसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा कितना इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक्सपेक्ट करिए 50 बेसिस पॉइंट से हाइक होना। अगर हम सीपीआई डेटा को देखें तो या तो 50 बेसिस पॉइंट से हाइक होगा और मे बी लेस देन दैट, इन एक्सेप्शनल केस ऐसा हो सकता है कि उससे कम भी करें, दोनों ही केस काफी पॉजिटिव रहेंगे मार्केट के लिए। लेकिन अगर बाई चांस, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, बाई चांस अगर 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बेसिस पॉइंट से अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो उस केस में मार्केट नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकती है, लाइक वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, सो रेस्ट अश्योर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ना जो FTX के CEO विच इज लाइक सैम, दैट पर्सन इज हैज बीन अरेस्टेड नाउ एंड सेक ने उस पर जो चार्जेज है वो भी दायर कर दिए, विच इज लाइक जो भी उसका मतलब इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट गया था उसमें और जो मतलब सिनेरियो हुआ था एफटेक्स के कोलैप्स होने में, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही थी उसको लेकर उन्होंने ऑलरेडी चार्ज पर दायर कर दिया। लेट्स सी इसमें क्या फर्दर प्रोग्रेस आती है, बट पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो क्योंकि अगर वो अरेस्ट हो गए तो। नाउ G20 की समिट ऑलरेडी चल रही है, आज पहला दिन है उसका, कल भी होगी एंड परसों भी होगी, इसमें मतलब क्रिप्टो से जुड़ी हुई कोई फर्दर न्यूज आ सकती है तो आपको इस पर भी नजर रखनी चाहिए बिकॉज इंडिया इज लीडिंग इट एंड इसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग जो एजेंडा ऑलरेडी वो है ही है, तो उसमें अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव निकल के आता है तो उससे क्रिप्टो मार्केट अफेक्ट हो सकती है, सो कीप एन आई ऑन दिस वन ऑल्सो। मॉर्निंग में काफी ज्यादा बाइनेंस के रिगार्डिंग जो फंड क्रिएट हुआ था बीएनबी के रिगार्डिंग, आई हैव क्रिएटेड वन डेडिकेटेड वीडियो ऑल्सो, अगर आपने अभी तक नहीं देखे यू कैन सी इट, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पूरा सिनेरियो है। इसी वजह से हम उसको इस न्यूज में नहीं कवर कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, सो उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा फिर डिबंक भी किया गया उस एजेंडा को, मतलब इसमें ये दिखाया गया कि एक्चुअली जो रीजंस दिए जा रहे हैं विच आर नॉट ट्रू एंड जो मतलब बीएनबी का अराउंड जो भी मतलब नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, सो अभी अगर देखोगे तो बीएनबी काफी ज्यादा रिकवर कर गया ऑलरेडी एंड जस्टिन सन ने ऑलरेडी इसमें सपोर्ट किया बाइनेंस को बिकॉज लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट विड्रॉल प्लेस कर रहे थे, ही हैव डिपॉजिटेड 100 मिलियन डॉलर इन ऑर्डर टू शो द सपोर्ट के नथिंग इज रॉन्ग एंड आई एम जस्ट डिपॉजिटिंग दिस मच अमाउंट, ताकि यूजर्स का ट्रस्ट बना रहे उस पर। एंड यूएसडीटी जो कॉइन है इसका जो स्टेबल कॉइन है वो डीपैग हुआ था, इसके रिगार्डिंग उसने थोड़ा टाइम पहले ट्वीट किया था, वो भी ग्लोबल पे वो काइंड ऑफ लाइक रिपैग हो गया बट अभी भी स्टिल डीपैग चल रहा है, बट वो एक ओवर कोलेक्ट्रलाइज स्टेबल कॉइन है एंड अगर उसकी मैकेनिज्म देखी जाए तो वो बाउंड नहीं है $1 के आसपास ही ट्रेड करना, उसमें काइंड ऑफ लाइक प्लस माइनस सिनेरियो उन्होंने दिया है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो $1 से काफी ज्यादा साइड वे में ट्रेड करा था। अनदर थिंग अगर माइंड में रखनी है जो इसके अलावा यूएसडीसी का जो विड्रॉल हाल्ट किया गया था कुछ टाइम के लिए, तो बाइनेंस ने उसके रिगार्डिंग क्लियरेंस भी दिया है क्योंकि
काइंड ऑफ लाइक उन्होंने रीजन साइट आउट किए थे सर्टेन प्लेसेस पे बैंक इज नॉट, मतलब जो बैंक का ओपनिंग टाइम नहीं उस टाइम पे, और कुछ उन्होंने शेड्यूल मेंटेनेंस भी रखी थी, इस वजह से यूएसडीसी का जो विड्रॉल काइंड ऑफ लाइक कुछ समय के लिए हल्ट किया गया था, इट हैज बीन रिस्टोर्ड नाउ, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। वेलास की अगर बात करें तो वेलास ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करके वेलास अकाउंट जो आप क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट इजीली, ये आपको जो एड्रेस दिया गया यहाँ पे आप जाओगे, बट ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। आई क्रिएट माइन ऑल्सो लेटर ऑन। इससे क्या होगा, कई बार होता है कि जैसे वॉलेट से, मतलब जब आप फिर पार्टिसिपेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक वेब थ्री से जुड़ी कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी डीएप है, उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हो या फिर उसमें एंगेज करते हो, तो कई बार होता है कि कनेक्टिंग द वॉलेट इज काइंड ऑफ लाइक बिग हेक्टिक प्रोसेस, एट सम प्लेसेस इट ऑल्सो इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन फीस। उस प्रोसेस को सॉल्व आउट करने के लिए, ईज आउट करने के लिए उन्होंने वेलास अकाउंट की सर्विस नया फीचर लॉन्च किया है, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। आज मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो की लाइक कुछ घंटे पहले ही अपलोड किया है, आप ऑलरेडी उसको कुछ ने देख लिया होगा, कुछ नहीं देखा होगा, दैट इज सोलाना। सोलाना का करंट सिनेरियो क्या है, उसकी क्या पॉजिटिव साइड बनी, क्या नेगेटिव साइड बनी है, सोलाना इस फंड से बाहर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, कब आपको बाई करना चाहिए, दैट थिंग आई हैव इंक्लूडेड इन सोलाना वीडियो। बट एक चीज उसमें काइंड ऑफ रहेगी, सोलाना ने कई बार आउटेज भी हुआ है सोलाना की ब्लॉकचेन में, वेलास नेवर सफर्ड अ सिंगल आउटेज, सिंगल आउटेज उसने सफर नहीं किया है। सोलाना इज नॉट डायरेक्टली कह सकते हैं आप ईवीएम कॉम्पेटेबल नहीं है, उसका जो एक प्रोजेक्ट है दैट इज कॉल्ड नियोन लैब्स, उसके थ्रू ईवीएम कॉम्पेटेबल है, यानी जो नियोन लैब्स है वो ये सॉलिडिटी को सपोर्ट करता है, जबकि सोलाना का देखा जाए मूवर रस्ट एंड सी सी प्लस प्लस को सपोर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बात करें, लेकिन लेटर ऑन दे आर प्लानिंग टू बी ईवीएम कॉम्पेटेबल, जिससे उसको डेफिनेटली काफी ज्यादा फायदा मिलेगा सोलाना को। EVM कॉम्पेटेबिलिटी के मामले में देखा जाए या फिर आउटेज के मामले में देखा जाए या फिर TPS और टेक के मामले में देखा जाए तो वेलास इज मच मच बेटर देन दैट, बट ये अभी क्योंकि बहुत ज्यादा अंडरवैल्यूड है, बहुत कम लोग इसके बारे में टेक्निकली जानते हैं, लेटर ऑन दे विल नो बिकॉज टेक्नोलॉजी ऑलवेज विंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू गाइस।